हेलो दोस्तों, तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। तो चावल की खीर बनाने के लिए आपको गोविंद भोग चावल चाहिए, इसे हम गोविंद भोग रेसिपी भी कहते हैं। तो आधा कप चावल लेंगे एक लीटर दूध के लिए, यानी 100 ग्राम चावल, और चावल बहुत नन्हे लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ कि आपको चावल कैसे लेने हैं। इसे गोविंद भोग चावल कहा जाता है, या फिर खीर वाली चावल आप इसे कह सकते हैं, और किराने की दुकान में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तो मोटे वाले चावल नहीं लेंगे, ये नन्हे वाले चावल लेंगे और इससे ही हम खीर बनाएंगे। तो एक लीटर दूध के लिए आपको 100 ग्राम चावल चाहिए, यानी आधा कप, उससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। और यहाँ पे हम खीर बनाना शुरू कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक लीटर दूध लिया है, यानी ये फुल क्रीम मिल्क है। आप गाय का लें चाहे पैकेट का लें, लेकिन ध्यान रखें कि दूध आपको फुल क्रीम ही लेना है, ताकि दूध में गाढ़ापन रहेगा तो आपकी खीर एकदम मलाई की तरह लगेगी। तो इसे मैंने एक दिन पहले ही उबाल लिया था, ये एक दिन पहले का दूध है। तो दूध को मैंने इसलिए पुरानी दूध ली है ताकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ जाए, और इसे बार बार उबालने से दूध में गाढ़ापन आता है, तो दूध बहुत ही अच्छी खीर बनती है इसकी। तो आप अगर फ्रेश दूध ले रहे हैं तो इसका एक चौथाई हिस्सा आपको पका लेना है, तभी आपको इसमें चावल ऐड करना है। तो हम इसे उबालना शुरू कर लेते हैं फिर से। तो मैं इसे एक दिन पहले ले रही हूँ, अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो इसे 10 मिनट तक अच्छी तरीके से उबलने दें, तभी आप इसमें चावल ऐड करें। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे तले में ये ना जले, और आँच को मीडियम में रख के उबाल आने देंगे। तो दोस्तों देखिए, उबाल आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इस स्टेज में इलायची डाल लेनी है, हरी वाली इलायची डालेंगे। और यहाँ पे मैं दो इलायची ले रही हूँ, जिसे मैंने पाउडर नहीं बनाया है, खड़ी इलायची के दाने ही डाल रही हूँ। तो इस स्टेज में दूध में अगर आप इसे डालेंगे तो दूध का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खीर अल्टीमेटली बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। तो इस तरीके से आप इस स्टेज में ही इलायची को डाल लें और इसे पकने दें 2 मिनट के लिए। तो देखिए, एक अच्छा उबाल आ चुका है। तो चलिए अब चावल डाल लेते हैं, और इसे मैंने वॉश कर लिया था चावल को, और 2 से 3 बार और सारे चावल को डाल लेंगे और आँच को लो में रख लेंगे। तो आँच को हमको लो में रख के पूरा प्रोसेस करना है, यानी पूरा खीर बनाना है। और अभी आपको चीनी, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको पकने में, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि ये नीचे ना जले और दूध बहुत अच्छी तरीके से इसमें खीर पक पाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये 95% के लगभग कुक हो चुकी है, चावल ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो इस स्टेज पे हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप चीनी लिया है, यानी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, 1/3 कप बहुत है। उसके बाद यहाँ पे हम कटा हुआ बादाम, काजू, ये सब डालेंगे। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा किशमिश भी ऐड करूँगी। किशमिश डालने से बहुत अच्छी लगती है मुझे खीर, तो आप भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, नहीं तो आप इसमें गड़ी जो होती है नारियल, उसे भी कट करके बहुत लोग डालते हैं, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे चला लेंगे, और मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और इसे 2 से 3 मिनट चलाएँ। उसके बाद चलिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे केसर। केसर दूध में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि केसर वाली दूध बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ी सी केसर के धागे डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे। तो दूध में केसर डाल के भी बहुत से लोग पीते हैं, बहुत हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है, और इसे चला लेंगे। तो आप चेक करें कि आपकी चावल पक चुकी है, नहीं तो आप 2 से 3 मिनट इसे पका भी सकते हैं। तो हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से इसे रहने देंगे। 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद इसे सर्व करना शुरू कर लेंगे। तो सर्व आप इसे ठंडे में करें, गर्म में करें, दोनों में ही ये बहुत अच्छे लगते हैं, और अक्सर ठंडी खीर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे सर्व कर लिया है, और इसे अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करेंगे तो ये देखने के साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। और थोड़ी सी किशमिश भी डाल लें, ताकि ये और भी अच्छी लगे देखने में। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी,
और इसे आप बनाएं और खा के इसे देखें, थोड़ी सी केसर के धागे डाल लेंगे। तो ये रही हमारी खीर जो बन के तैयार हो चुकी है दोस्तों, और आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।